टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है, और अगर देखा जाए परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन रोहित और विराट के रन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विदाउट रोहित और विराट के रन कैसे टीम इंडिया चैंपियन बनेगी। मेरे साथ श्रद्धा पांडे हैं, अखिल गुप्ता जी भी हैं, एक एक करके आपसे पूछ लेते हैं भाई। रोहित विराट जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो अब कमजोरी हो गई अखिल जी, अब कैसे काम चलेगा इंडिया का? यार चिंता वाली बात है, स्पेशली विराट कोहली के लिए। एक रन, चार रन, फिर गोल्डन डक। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच था, वहां भी गोल्डन डक पे आउट हुए थे। पूरे करियर में दूसरी बार गोल्डन डक पे आउट हुए। विराट कोहली की फॉर्म वाकई में चिंता की बात है। और हम बात कर रहे थे ना कि आईपीएल में एवरेज अच्छा चल रहा है, स्ट्राइक रेट की जहां बात उठी, मुंह तोड़ जवाब दिया, स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, ऑरेंज कैप अपने नाम की, करीब 750 रन थे। लेकिन आईपीएल की फॉर्म वो टी20 वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिली है। विराट की फॉर्म वाकई में कहीं ना कहीं गायब है। और सवाल उठता भी है, जब पूरी टीम आपकी चली गई थी यूएसए 25 या 26 तारीख में, पूरी टीम चली गई, जबकि विराट कोहली की टीम ने क्वालिफाई भी नहीं किया फाइनल के लिए। उसके बाद भी विराट कोहली करीब 30 से 31 तारीख के लिए उड़ान भरी उन्होंने, उसके बाद वो यूएसए गए। टीम के साथ पहले क्यों नहीं गए, तैयारियां क्यों नहीं की, जब आपको पता था कि नया मैदान होने वाला है, इस तरह के विकेट पे हमने कभी क्रिकेट ही नहीं खेला, तो वहां पे विराट कोहली को जाना चाहिए था। आप कितने ही बड़े नाम हो, लेकिन जब तक आप इस तरह की विकेट पर तैयारियां नहीं करेंगे, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई रोहित के भी रन नहीं आए, देखा जाए तो एक आइलैंड के साथ वो पारी छोड़ दें, रोहित भी रन नहीं बना रहे हैं। श्रद्धा पांडे आप देखा जाए, क्योंकि भाई विराट वो बैट्समैन जो 741 रन बनाए थे, ऑरेंज कैप उनके पास थी 12 दिन पहले, अब विराट को हो क्या गया है, क्या लगता है क्या हुआ है विराट के साथ? देखिए मैं शुरू से ये चीज बोल रही हूँ कि विराट के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट बस गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आईपीएल में भी उनपे बहुत ज्यादा सवाल उठे थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं स्ट्राइक रेट बेहतर करूंगा और मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपने फॉर्म में खेल रहा हूँ। उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट स्पिन के अगेंस्ट हो चाहे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट हो, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। स्पिन के अगेंस्ट 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, जो कि अभी तक 5 सालों में विराट कोहली का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा था, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्राइक रेट उनके दिमाग में इतना ज्यादा रज बस गया है कि यहाँ पर वो ढंग से अपना जो एक ट्रेडिशनल क्रिकेट जो खेलते हैं विराट कोहली, वो नहीं खेल पा रहे। नसाऊ काउंटी में जहां पर आपको स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता था, अगर आप 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से भी रन बना रहे, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। बाबर आजम ने भी खेला, यहाँ पे रिजवान ने खेला, रोहित शर्मा ने खेला और साथ साथ ऋषभ पंत ने खेला, इन्होंने कोई 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं करी है, 100 या फिर 120 या फिर 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे अपनी टेक्निक को बैक करना चाहिए था, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए था, ना कि वो बनना चाहिए था जो कि आप हो ही नहीं। हमें विराट कोहली 2.0 नहीं चाहिए, हमें पुराना वाला विराट कोहली चाहिए जो टिक कर खेलता था, जो स्ट्राइक रोटेट करता था। तो मुझे लग रहा है अगर स्ट्राइक रेट का भूत उनके दिमाग से हट जाए तो अपने नेचुरल गेम को वो बैक कर पाएंगे। अच्छा अब एक चीज और है दोस्तों कि इंडिया का जो आखिरी मैच है वो कनाडा के साथ खेलना है, इंडिया को 15 जून को ये मुकाबला होगा, लेकिन उस मैच का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सुपर एट में इंडिया जाएगी तो आई थिंक 24 जून को श्रद्धा पांडे राइट 24 जून को इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। अब ऑस्ट्रेलिया सामने ऐसी टीम है, कंगारू टीम को हल्के में तो क्या, उनके पास तो ऐसा पेस अटैक है ना, जिनके पास पैट कमिंस जैसा, मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज होगा, वहां पर भी टेस्ट इंडिया की बैटिंग का ही होगा। और आप भले ही पिच कैसी भी हो अखिल जी, वो मायने नहीं करता, क्योंकि जब आपका टॉप क्लास गेंदबाजी आप सामने हो तो वहां पर तो विराट और रोहित का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा मिडिल ऑर्डर में प्रेशर तो आता है, ऋषभ पंत भी कैच छूट गया था और शिवम दुबे बहुत ही इनिशियल फेज अगर आप देखोगे यूएसए अगेंस्ट वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर तो तभी अच्छा करेगा जब ऊपर से अच्छे रन आएंगे, लेकिन ये कितना कठिन होने वाला इंडिया के लिए, ये वाकई में चिंता की बात है। स्पेशली आप सुपर एट की बात कर रहे हैं, शायद आपको अफगानिस्तान से खेलना पड़ेगा, वो टीम जो न्यूजीलैंड को हरा के आ रही है, उसके अलावा आपको जो दूसरा मैच है वो बांग्लादेश और शायद नीदरलैंड में से किसी एक के खिलाफ खेलना पड़ेगा, और दोनों ही टी20 क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं। खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आप हल्का नहीं आ सकते, बिल्कुल, क्योंकि लगातार सभी छोटी टीमें पलटवार कर रही हैं, पहले इन दो से निपटेंगे तब जाके ऑस्ट्रेलिया की बारी आएगी, क्योंकि अगर इन दोनों में ही काम खराब हो गया तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो औपचारिकता रह जाएगा। अगर आप दोनों ही मैच हार गए या एक मैच हार गए तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया वाला मैच डू और डाई होगा। ऐसे में अब विराट का बल्ला नहीं चला, अब रोहित का बल्ला नहीं चला तो कब चलेगा? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1.5 साल में आपको वापस आपको टी20 इंटरनेशनल के लिए बुलाया गया है, स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए बुलाया गया है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी वजह से गिल जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, रिंकू सिंह जैसा टैलेंट बाहर बैठा है, जायसवाल बेंच पे बैठे हुए हैं, आपको इनको मौका देना पड़ेगा। लेकिन आप बार बार कोहली रोहित के पास ही जा रहे हैं तो ठीक है, ये शायद कनाडा वाला मैच ना कहीं हद तक एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है विराट कोहली के लिए कि अगर आप यहाँ पे बतौर ओपनर नहीं चलते हैं तो आपको फिर ड्रॉप किया जाए, या तो आपकी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए, आपको नंबर 3 पे भेजा जाए,
जसपाल से ओपन कराएं। एग्जैक्टली हमने पोल भी दोस्तों यही क्रिएट किया है, क्या विराट को नंबर 3 पर खेलना चाहिए, हाँ या ना, आप अपने राय दे सकते हैं इस पर। लेकिन श्रद्धा पांडे यही हम बात कर भी रहे थे और आपसे सवाल ही पूछा था, आपने भी कहा था मोनू उसकी बात तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब यूएसए के साथ मैच था प्री मैच शो में मैंने पूछा था कि यार अगर विराट का एक और फेलियर, क्या जयसवाल को मौका मिलना चाहिए, आपको लगता है जयसवाल को ओपन करना चाहिए अब? देखिए जयसवाल को डेफिनेटली मुझे लगता है ओपन करना भी चाहिए, लेकिन क्या टीम इंडिया वो बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ करेगी? अगर जयसवाल को ओपन करवाते हैं रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं, तो आप ऋषभ पंत की पोजीशन से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक की पोजीशन का असर दूसरे पर भी जरूर पड़ेगा। अगर विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हैं, जयसवाल ओपन करते हैं रोहित के साथ, और अगर ऋषभ पंत की फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं आता, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि T20 में आपको एज अ फ्लोटर ही यूज कर सकते हैं, आपकी खाली ओपनर्स की जगह फिक्स रहती है, अदरवाइज सबकी जगह जो है फ्लेक्सिबल रहती है, तो अगर ऋषभ पंत की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो नंबर 3 आप विराट को खिला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और प्लीज जडेजा को भी बाहर कर दीजिए। मतलब हम तीनों के हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज जडेजा को भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि ना गेंद से कुछ कर रहे हैं, ना बल्ले से कुछ कर रहे हैं, और फील्डिंग में भी कल हम लोगों ने देखा था कि एक कैच उनसे जरूर छूट गया, तो एक जडेजा देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि उनको पता है उनका बल्ला चल नहीं रहा है, आईपीएल में भी नहीं चला, थ्रू आउट द आईपीएल जडेजा ने मुश्किल से एक आध कोई अच्छी मैच विनिंग पारी खेली होगी सीएसके के लिए, बॉलिंग में उस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। एक पंजाब वाला मैच था मुल्लापुर स्टेडियम में, फिर धर्मशाला में 4 विकेट लिए थे, 8 या 18 रन देकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन उसके अलावा पूरे आईपीएल ना बतौर बल्लेबाज चले ना गेंदबाज चले, इस वर्ल्ड कप में आ चुके हैं, 2 मुकाबले निकल चुके हैं, 3 मुकाबले जड्डू ने कुछ इंप्रेस ही नहीं किया, उनकी इतनी बॉलिंग भी देखने को नहीं मिल रही है, तो इससे अच्छा जब आपको अपने मेन प्लेयर पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आप कुलदीप को खिलाओ, चहल को खिलाओ, शिवम दुबे को बॉलिंग दो, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आप बड़े नामों के पीछे अगर भागते रहेंगे तो आप हाथ अपने हाथ खड़े कर लो, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। ये वीक लिंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उस पर बात कर ली जाए, क्योंकि अब वीक लिंक तो हमने देख लिया, जडेजा का वीक लिंक है, विराट रोहित रन नहीं बना रहे हैं, नई गेंद के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, यही कहीं ना कहीं चिंता तो है दोस्तों। आप भी बताइए आपकी क्या राय है, क्योंकि जब आप नई गेंद से रन नहीं बनाएंगे, पावर प्ले में रन नहीं बनाएंगे, हो क्या रहा है दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में? तीनों मुकाबले अगर आप देखोगे सही से, या तो विराट आउट हो जाते पहले दूसरे ओवर में ही, या रोहित आउट होके चले जाते हैं, या दोनों ही चले जाते हैं, तो ऐसे में फिर इंडिया के लिए तो दिखते ही आएंगे ना मिडल ऑर्डर के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत ओपन करने आ रहे हैं, कई बार तो हमें ऐसा ही महसूस हुआ है नंबर 3 खेलते हुए। लेकिन क्या नंबर 3 पर विराट को खेलना चाहिए? मेरी तो ये राय है कि यार देखिए विराट नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, लेजेंड्स हैं, लेकिन फिर भी विराट को समझना होगा अपनी वैल्यू भी और विकेट्स की वैल्यू भी, क्योंकि जब वो इंडिया के सबसे बड़े कह लीजिए आप स्तंभ हैं, क्योंकि विराट आउट हुए आधी टीम आउट हो जाती, तो विराट को रन बनाने पड़ेंगे बॉस, क्योंकि अब तो बड़े मैच आ गए, और ऐसा भी हो सकता है विराट ने अपनी जो परफॉर्मेंस है हो सकता है सुपर एट के लिए बचा के रखी हो, यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की जो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह एक ऐसा गेंदबाज जिनके पास वो क्लास है, विकेट उनकी कैसी भी हो, पिच कैसा भी हो, बस उनके हाथ में गेंद हो, क्यों श्रद्धा पांडे? बिल्कुल डेफिनेटली, और जैसे कि हम लोग कल बात भी यही चीज कर रहे थे कि जब भी टीम इंडिया मुसीबत में रहती है तो जसप्रीत बुमराह के आगे हम लोग हाथ जोड़ देते हैं कि प्लीज आप आइए और गेंदबाजी करिए। जसप्रीत बुमराह के वो 4 ओवर जो सामने कोई भी ओपोनेंट हो उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं खेलना, इसीलिए हम बुमराह को काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं, रोहित शर्मा उनका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पावर प्ले में उनको 1 या 2 ओवर करवाते हैं, मिडल ओवर्स में उनको 1 विकेट देते हैं, उसके बाद डेथ में उनसे गेंदबाजी करवाते हैं, आखिरी में ओवर्स मतलब स्लॉग ओवर्स में उनसे गेंदबाजी करवाते हैं, तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है टीम इंडिया के लिए। आप अर्शदीप भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, और कल जैसे अखिल जी ने कहा था कि क्यों जसप्रीत बुमराह पे इतना ज्यादा प्रेशर डालना है, और जो हमारे तेज गेंदबाज है वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल अर्शदीप ने दिखा दिया कि भाई मैं भी हूं लाइन में। मोहम्मद सिराज थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की पिचेस में 2 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएंगे, यानी एक तो अर्शदीप हो गए, दूसरे जसप्रीत बुमराह हो गए, और तीसरे हार्दिक पांड्या एज अ थर्ड सीमर के साथ, तो आई थिंक अर्शदीप ने काफी अच्छा संभालने की कोशिश करी है, जसप्रीत बुमराह के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश जरूर करिए। अर्शदीप के आंकड़े भी दिखा रहे दोस्तों, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन और 4 विकेट, यूएसए के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस है वैसे उनका। अखिल जी क्या अब इंडिया कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारे पास 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो कहकर आउट करते हैं, एक तरफ बुमराह एक तरफ अर्शदीप? बिल्कुल है, बुमराह अर्शदीप लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज को भी कहीं ना कहीं अपनी रिदम दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वेस्ट इंडीज चले जाएंगे ना आपको एंटीगुआ बारबाडोस गुयाना इस तरह की विकेटों पे क्रिकेट खेलना है, और इस वर्ल्ड कप के आप आंकड़े भी उठा के देखेंगे ना, तो इस तरह स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, और आप लगातार पूरे वर्ल्ड कप में चहल और कुलदीप को बाहर नहीं बिठा सकते, आपको उनको खिलाना पड़ेगा। आप अर्शदीप को लेके जाइए, बुमराह को लेके जाइए, डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, लेकिन सिराज अगर विकेट नहीं ले पाए तो उनकी जगह खतरे में है, शिवम दुबे की भी, क्योंकि आने वाले मैचेस में आपको चहल या कुलदीप को खिलाना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है।
अच्छा, शिवम दुबे के साथ वो भी दिक्कत है क्योंकि अखिल जी हमने नोटिस किया है कि शिवम दुबे ना जहां पर स्पिनर अच्छा करते हैं वहां पर वो छक्के लगाते हैं विद द स्पिन, लेकिन यहां पर क्या था कि तेज गेंदबाजों के अनुकूल विकेट्स थी, यहां पे गेंद अनइवन बाउंस था क्योंकि जो न्यूयॉर्क का पिच था वो बहुत कुछ हरकत कर रहा था क्योंकि ये ड्रॉप इन पिचेस थी, लेकिन अब तो आपको फ्लोरिडा वेस्ट इंडीज में खेलने मुकाबले वहां पर तो स्पिनर का बोलबाला रहता है, और ऐसे में शिवम दुबे एक एक्स फैक्टर सा टीम इंडिया के लिए साबित हो सकते हैं। आपको लगता है शिवम दुबे वैसा कुछ करेंगे? मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर इनको मौके मिलते हैं तो वेस्ट इंडीज की जैसी विकेट है बहुत स्लो विकेट रहेगी वहां पे स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, वहां पर अगर शिवम दुबे नहीं चले तो फिर शिवम दुबे को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर वैसी पिचेस में जिनको जिन पिचेस में उनको खेलने में मजा आता है जहां पे स्पिनर्स के अगेंस्ट उनको आगे बढ़कर छक्का लगाने में मजा आता है, अगर वहां पर स्पिनर्स के अगेंस्ट दुबे नहीं चले उनका पैर नहीं चला फिर शिवम दुबे एक्चुअल में फिर यूजलेस खिलाड़ी, और हमने बहुत जल्दबाजी कर दी फिर दुबे के साथ, क्योंकि ठीक है नसाऊ काउंटी में समझ आता है जहां पे आपके सीमर्स हैं अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, एक आखिरी वाला मुकाबला छोड़ दीजिए उसके अलावा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर लीजिए चाहे वो आयरलैंड के अगेंस्ट बात कर लीजिए, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज में उन पे भरोसा दिखाएगी रोहित शर्मा की टोली या राहुल द्रविड़ और अगर वहां पे वो नहीं चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी टीम इंडिया के लिए। और देखिए जब टीम जीतती है ना तो फिर कमियां छुप जाती हैं और इंडिया इनफैक्ट जीता बैक टू बैक, हमने जो कमियां थी वो भी आपको बताई है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी अखिल जी और श्रद्धा पांडे कि आपने कहा यार इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखे भाई मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खिलाड़ी ऐसा कर देगा T20 वर्ल्ड कप में, भाई मुझे हार्दिक पांड्या याद आता क्योंकि हार्दिक पांड्या का लेट डाउन किया था IPL में और हमें लगा था हार्दिक पांड्या विकेट ही नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ तो हार्दिक पांड्या ने विकेट तो ली है लेकिन रन नहीं आए बैट से, बस एक ये कंसर्न है, इसके अलावा कोई और गेंदबाज या बल्लेबाज आपको लगता है और हार्दिक पांड्या पे क्या व्यूज है आपके दोनों? रन कंसर्न वाली बात भी नहीं क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी नहीं आई, पिछला मैच जो यूएसए के खिलाफ था वहां भी उनकी बल्लेबाजी नहीं आई, पाकिस्तान वाले मैच में आ कह सकते हैं कि जब वो बैटिंग कर रहे थे 15वें या 14वें ओवर में बैटिंग करने आ गए थे, स्वीप मार कर आउट हुए, उनको कहीं ना कहीं मैच फिनिश करना था, मतलब 20वें ओवर तक मैच को लेके जाना था, वो वहां पे उनकी बल्लेबाजी लैक की क्योंकि IPL में भी उन्होंने केवल 14 या 15 पारियों में उन्होंने टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, 14 पारियों में केवल 200 रन थे, कोई 50 नहीं थी, पूरे IPL में इकलौते ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया, तो ये वाकई में हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, लेकिन गेंदबाजी में 7 विकेट ले चुके हैं, ये कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने दिखाया है कि मैं 5वें बॉलर की कमी को पूरा कर सकता हूं, आप अर्शदीप और बुमराह को खिलाइए, तीसरा सीमर आपका मैं हूंगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से कमबैक करा है क्योंकि काफी ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा था, तो उनके पर्सनल लाइफ इस तरीके से लाइमलाइट में आ गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक करा हार्दिक पांड्या, ठीक है विद द बैट नहीं करा, आई थिंक वार्म अप मैच में 20 के अराउंड 40 रन बनाए थे, तीन छक्के लगातार, शाकिब अल हसन को भी काफी अच्छा धोया था उन्होंने, ऋषभ पंत के साथ उन्होंने साझेदारी करी थी, तो बैटिंग में मौके मिले हैं उनको इस टूर्नामेंट में, खाली वार्म अप मैच में उस टाइम पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, बट गेंदबाजी में बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करा है, लग नहीं रहा था क्योंकि ऐसी गेंदबाजी हमने IPL में नहीं देखी थी, IPL में बहुत अंडर प्रेशर, समझ ही नहीं आ रहा था किस तरीके की गेंदबाजी कर रहा है, काफी ज्यादा वाइड्स फेंक देते थे, बट इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे और लग रहा है कि नीली जर्सी ने उनकी एक्चुअल में किस्मत बदल दी। लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर कह लीजिए वो है सूर्यकुमार यादव, अब सूर्यकुमार यादव को आप कैसे देखते हैं तीनों मैचों में, क्या सूर्यकुमार यादव उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और क्या सूर्यकुमार यादव से आने वाले मैचेस में आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए सूर्यकुमार यादव से काफी ज्यादा उम्मीदें थी बट एक इतिहास को देखते हुए ये भी लगा था कि ये बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है और अभी भी मैं सूर्य को बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं मान रही हूँ, एक मैच में चलने से ये नहीं, आपकी जो पुरानी गलतियां हैं वो छुप नहीं जाती, आपने वर्ल्ड कप 2023 भी खेला 22 भी खेला, जब बड़े मैच में चलने की बात होती है तो आप नहीं चलते हैं, यूएसए के अगेंस्ट डेफिनेटली एक सेंसिबल पारी नजर आई क्योंकि आप सूर्यकुमार यादव से 120 का स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप वो इंडिविजुअल जरूर खेलते हैं अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, कहना गलत नहीं होगा, टीम की क्या जरूरत है उस पर सूर्य का ध्यान थोड़ा सा कम जरूर जाता है, उनको हमेशा उड़ा के खेलने की आदत है, बट पिछले मैच में हमने देखा 120 के स्ट्राइक रेट से खेले, सेंसिबल क्रिकेट खेले, उनको पता था कि मेरी टीम को अभी जीतने की जरूरत है, मेरे माइलस्टोन को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं, बावजूद उसके उन्होंने अर्धशतक लगाया, बट मैं अभी भी सूर्य को बड़े मैच का प्लेयर नहीं मानता। नहीं मुझे भी नहीं लगता सूर्य बड़े मैच के प्लेयर है, मैं मानता हूं सूर्य का मैं भी फैन हूं यार, जिस तरीके की बैटिंग करते हैं कोई भी चाहेगा आज के मॉडर्न क्रिकेट में कि सूर्य जैसी बैटिंग ही देखने को मिले, चाहे टेलेंडर्स क्यों ना बैटिंग कर रहे हो आए और उड़ाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टीम के हालात को देखते हुए बैटिंग करनी पड़ती है, स्पेशली आप 2021 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 2021 में आने से पहले आपकी बहुत हाइप हुई कि सूर्य नहीं खेला आपको, सूर्य को आपने टीम में नहीं चुना, 2020-19 में काफी चर्चा हुई थी सूर्य के नाम पे, रवि शास्त्री कोच थे, रवि शास्त्री कहते थे कि मौका मिलेगा जल्दी मौका मिलेगा, अब मौका मिल गया है, 21 का वर्ल्ड कप टाटा बाय बाय, 22 का वर्ल्ड कप टाटा बाय बाय, आपने हर बड़े मैच में कुछ नहीं किया, बस्ता पैक किया निकल लिए, अब इस मैच के वर्ल्ड कप के दो बड़े एग्जांपल है,
आयरलैंड वाला मैच और पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान वाला मैच, वहां पे आपको चलना चाहिए था, लेकिन वहां पे भी सूर्य ने डिसअपॉइंट किया। मानता हूँ बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, 4 या 5 शतक T20 इंटरनेशनल में लगा चुके हैं, लेकिन जब तक आप बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करेंगे, आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। आप सचिन, विराट, पोंटिंग, लारा जैसे प्लेयर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। लेकिन अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे, और एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन अगर कंपेयर करोगे दोनों टीमों को, भाई ऑस्ट्रेलिया तो वो टीम है जहां पर ट्रेविस हेड बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। आपको याद होगा अभी उनका लास्ट मैच था, नामीबिया को 5.4 ओवर में टारगेट चेज कर दिया, और वो नीला कपड़ा देखते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। अब इंडिया का नीला कपड़ा, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगा। एक वो टीम जो बैटिंग जबरदस्त करते हैं, उनकी ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड लंबे शॉट्स मारते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और एक तरफ टीम इंडिया जिसकी डामाडोल है बैटिंग ओपनिंग खासकर। आप इस कॉन्टेस्ट को कैसे देखते हो खिलजी, कौन अप आगे पीछे? यार मैं मानता हूँ कि ट्रेविस हेड का जो आंकड़े हैं टीम इंडिया के खिलाफ बड़े जबरदस्त हैं। आईपीएल में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, स्पेशली वो कहते हैं ना सांड को लाल कपड़ा दिख जाए तो उसके पीछे पड़ जाता है, वैसे ही ट्रेविस हेड का हाल, उनको नीली जर्सी दिख जाए तो वो पीछे पड़ जाता है, बुरी तरीके से धोते हैं। लेकिन इस बार उनका बल्ला नहीं चलेगा, इस बार 24 जून को इंडियन बॉलर्स उनको परेशान करेंगे, जीत हमारी होगी और बुमराह उनको आउट करेंगे, देख लीजिएगा आप। अच्छा जी, तो चलो बुमराह आउट करेंगे, लेकिन इस कहते हैं ना इस इलाज की दवा क्या है, ये जो ओपनिंग जोड़ी है इंडिया की, एक तरफ तो वो ओपनिंग जोड़ी जो उड़ाकर खेलती है, पावर प्ले का बड़ा अच्छा यूज करती है, और इंडिया वाले अगर अभी भी सच्ची बताओ ना सो दोस्त, दिल पर हाथ रखकर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की जो ओपनिंग जोड़ी है ना, जहां पर उनका टॉप ऑर्डर देखें, चाहे मिचेल मार्श को भी इंक्लूड कर ले, वो भाई 6 ओवर में चाहे वो 4 आउट हो जाए बट वो रन बनाएंगे, वो 6 ओवर में 70 बना देंगे। बट इंडिया वाले क्या है कि थोड़ा सा डिफेंसिव अभी भी खेलते हैं, इंडिया का अभी पीछे है ऑस्ट्रेलिया से T20 फॉर्मेट में। ये कोई हमारी नई कमी नहीं है, पांडे जी का जवाब बिल्कुल है, लेकिन ये कोई हमारी नई कमी नहीं है, मतलब हम जब से धोनी ने रिटायरमेंट लिया या उससे पहले से हमारा माइंडसेट ही वो बन गया कि हमें टिक के खेलना है। 2022 का वर्ल्ड कप हम क्यों हारे, हमने सेमीफाइनल में इतना स्लो स्टार्ट किया, रोहित शर्मा मतलब रनो बॉल खेल रहे हैं, विराट कोहली रनो बॉल खेल रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अगर मैं 20 ओवर टिक गया, 12-15 ओवर टिक गया, मैं मैच को डेथ ओवर में निकाल दूंगा। लेकिन यार आप इतना डीप लेके क्यों जा रहे हो, आप अपनी बल्लेबाजी पे भरोसा करो ना, आपके पास दिनेश कार्तिक थे, आपके पास पंत थे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कौन आपके पास नहीं था, वही सब नाम थे जो इस वर्ल्ड कप में भी मौजूद है, तब तो ऋषभ पंत भी फिट थे। लेकिन आप इतना वो कर लेते ना कि यार मैं विराट कोहली हूं, मैं रोहित शर्मा हूं, मैं ही मैच जिताऊंगा, वो चीज गलत है, आपको फियरलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा। डिफेंसिव अप्रोच भी कई बार हमारी हमारे आड़े आती है, और इसमें गलती मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ की भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद अपने टाइम पे डिफेंसिव अप्रोच के मतलब टुक टुक राहुल द्रविड़, ठीक है बड़े बड़े माइलस्टोन उन्होंने हासिल करे, बट जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते आ रहे थे, उन्होंने अपनी जो चीजें हैं वो टीम इंडिया में थोपी हैं, और आई थिंक थोपी नहीं, उससे पहले भी डिफेंसिव ही अप्रोच रहती थी, हमें टिक कर खेलना है, हमें शुरुआत में आना है तो अंत तक रहना है, हमें ये नहीं लगता कि हमें T20 क्रिकेट के हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व करती है, ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों में इन्वॉल्व करती है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो उसमें इवॉल्व करती है। तो आई थिंक इसमें कोच की भी बहुत ज्यादा गलती है कि डिफेंसिव अप्रोच क्यों रखनी, अटैकिंग अप्रोच आप क्यों नहीं रख सकते। दूसरा कई लोगों का ऐसा कहना था कि टीम इंडिया का स्क्वाड आ गया है, केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया, भाई अब तो वर्ल्ड कप जीत गए, केएल राहुल जैसा एंकर हमने ड्रॉप कर दिया है। यार केवल केएल राहुल को ड्रॉप करने से काम नहीं चलता बॉस, आपको विराट कोहली के बारे में सोचना था, कोहली के बारे में सोचना था, रोहित शर्मा के बारे में सोचना था, आपने केवल बड़े नामों को तवज्जो दी, वर्ल्ड कप लेके गए, जड्डू भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता एक प्लेइंग 11 में दो दो लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर खेल रहे हैं, क्या तुक बनता है यार। आपके पास बेंच पे कुलदीप बैठा हुआ है, चहल बैठा हुआ है, जो कि आईपीएल में पर्पल कैप लेकर आ रहे हैं, जो कि लगातार विकेट्स ले रहे हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, कहां नहीं कर रहे परफॉर्मेंस। कुलदीप तो पिछले एक साल में अक्रॉस फॉर्मेट घरेलू क्रिकेट में भी, आईपीएल में भी, टीम इंडिया के लिए भी नंबर वन बॉलर रहा है, फिर भी वो बाहर बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि आपको ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, बड़े नाम खिलाने हैं, बिल्कुल बड़े नाम खिलाने हैं। लेकिन दोस्तों जो नाम है उनको काम भी करना होगा, और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है ना दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, भाई सोच और अप्रोच क्या टीम इंडिया की बदले, क्योंकि ये जो मुकाबला है ना इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2024 में दशा और दिशा दोनों तय करेगा। क्योंकि अगर इंडिया डिफेंसिव खेलेगा, भाई 6 में 45 ही बनाने हैं और हमें विकेट नहीं देना, अगर 6 में 45 बनाकर 1 आउट होगा तो इंडिया काम नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा आपका काम, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सामने देखिए ना ओपोनेंट कैसी बैटिंग कर रहा है। और दूसरी चीज अखिल जी, एक और मुझे डिसअपॉइंट ये भी इंडिया के साथ कि आप बैटिंग को लंबी करते हैं, भाई अगर 6-7-10 ओवर अगर विराट रोहित ही खेलेंगे तो आने वाले बैट्समैन को तो बैटिंग ही नहीं आती है, और जब आती है तो 2-2 गेंद बचती है, तो फिर आप बैटिंग लंबी करने का फायदा क्या, क्यों आप अक्षर पटेल को लेकर आते हो, फिर तो आप प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ जाओ ना, प्लस हार्दिक पांड्या, ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन कि हाँ हम तो उड़ाकर खेलेंगे। लेकिन ये जो सहमे सहमे से क्यों रहते हैं बैट्समैन, मुझे लगता है, और आप ये देखिए 2021 क्यों हारे तो क्योंकि पावर प्ले में रन नहीं बनाए, 2022 क्यों हारे पावर प्ले में रन नहीं बनाए, अब 2024 में
हर कोई फॉर्मर क्रिकेटर अखिल जी ये कहता है जो पावर प्ले में अच्छा खेलेगा वो अच्छा करेगा, सीधी सी बात है। आपको भी लगता है ना कि वो माइंडसेट ऐसा बन चुका है, वो माइंडसेट पिछले 10-12 सालों से हमारे दिमाग के अंदर पड़ चुका है। वो चीज है ना, मोनू अगर मुझे कहा जाए कि मैं दिन में 10 वीडियो करता हूँ, मैं 10 ही करूंगा, मैं पहले से 10 करता आ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा बॉस आके मुझे कहे कि नहीं तेरे को 20 वीडियो बनानी है तो मुझे प्रेशर लगेगा, मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं 15 भी नहीं बना पाऊंगा, हार्डली मैं 11 या 12 करूंगा। मेरे माइंड में वो बात डाल दी गई है कि मैं 10 ही बनाता हूँ, 10-12 साल से मैं 10 बना रहा हूँ तो मैं 10 ही बनाऊंगा। ऐसे ही हमारी टीम इंडिया के साथ है कि यार अगर आपके हमें पावर प्ले में 40 बनाने, ज्यादा से ज्यादा 45 बना देंगे, विकेट नहीं खोएंगे, जितना हम विकेट बचा के रखेंगे उतना हमको फायदा मिलेगा। विकेट मत बचाओ, आपके पास अक्षर पटेल तक बैटिंग है, आपके लिए अर्षदीप भी बैटिंग कर लेता है, बुमराह भी बैटिंग कर लेता है, जो पिछले मैचेस में दिखा है, इंटेंट दिखा है उन्होंने। अर्षदीप ने आमिर को चौका लगाया था, सिराज ने 7 रन बनाए थे जो कि काफी एक्सपेक्टर साबित हुए टीम इंडिया की जीत में। तो अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी यार। नहीं, अखिल जी ने जो बात कही है, श्रद्धा पांडे आपको भी लगता है कि ये जो माइंड सेट है 6 में 45 6 में 40 कहीं ना कहीं ये हार का सबसे बड़ा फैक्टर बनता है? डेफिनेटली, देखिए पावर प्ले का ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, और जैसे कि अखिल जी ने कहा कि विकेट बचा के खेलना, हमने अर्षदीप सिंह की बल्लेबाजी देखी थी, जिस तरीके से इंटेंट वो दिखा रहे थे, कॉन्फिडेंस, वो विकेट से बहुत दूर खड़े हुए थे, ऐसे लग रहा था गली क्रिकेट चल रहा है और हम लोग सामने से कोई ऐवे गेंदबाज को, ऐरा गहरा गेंदबाज को देख रहे हैं। वो ऐरा गहरा नहीं, वो पाकिस्तान का लीडिंग गेंदबाज है, मतलब लीडिंग सीमर है। तो आप उस गेंदबाज के सामने आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, वो इंटेंट वाली बात भी आ जाती है। तो आपको अपना विकेट क्यों बचा के खेलना है वो समझ नहीं आता। डिफेंस अप्रोच जब से राहुल द्रविड़ आया तब से और ज्यादा ये बढ़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है अब। बट गौतम गंभीर जब आएंगे तो मुझे लग रहा है इसमें काफी ज्यादा चेंजेस होंगे। साथ साथ टीम इंडिया एक ट्रांजिशन फेज जरूर देखेगा जब यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, और जब यंगस्टर्स आएंगे, यंगस्टर्स का आजकल माइंडसेट वो है कि उड़ा के खेलना चाहिए। अब अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से जैक फ्रेजर मैकगर्क की बात कर लीजिए, तो आई थिंक माइंडसेट जो है यंगस्टर्स का वो उड़ा के खेलना है। कोच बदलेगा तो मुझे लग रहा है अप्रोच भी बदल जाएगा। चलिए इसी नोट के साथ उम्मीद करते हैं भाई टीम इंडिया अच्छा क्रिकेट खेलेगी, अपने पोटेंशियल पर खेलेगी, और सामने कोई भी टीम आ जाए, अभी तो खैर पहला मैच कनाडा से होगा अभी तो, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से होगा, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो भी होगा भाई, सामने जो भी टीम आएगी और उसको टीम इंडिया हराने का मादा रखती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।